नमस्कार जस्सी नीटिंग चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टू कलर से आपके साथ डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। इसको आप बेबी फ्रॉक में, बेबी स्वेटर में, बेबी कार्डिगन में और लेडी जैकेट में अगर डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। आप अगर जेंट स्वेटर भी बनाना चाहते हैं ना तो वो भी बन जाएगा जी। देखिए डिज़ाइन कुछ ऐसा है। कलर आप अपने चॉइस से ले लीजिए। जैसे हमने ये दो कलर लिए हैं, इसमें आप मल्टी कलर भी डाल सकते हैं और कलर भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जे कलर है, जे भी आप डाल सकते हैं। कोई भी कलर डालिए और इस डिज़ाइन को बना लीजिए। डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है, इसको बिगिनर भी बना सकते हैं। जब हमने ये डिज़ाइन बनाया स्वेटर में तो सब ने बहुत पसंद किया, तो सोचा हम आपके साथ भी शेयर करें। तो राइट साइड से तो ये डिज़ाइन बनकर ऐसा लगता है और बैक साइड से ऐसा दिखता है। देखिए बैक साइड में भी डिज़ाइन अच्छा लगता है और राइट साइड में तो अच्छा लगता ही है। ये बॉर्डर कोई भी बुनिए, बॉर्डर के ऊपर आठ आठ सिलाई का डिज़ाइन है, चार सिलाई चार, आठ सिलाई में डिज़ाइन ओवर हो जाता है, उसके बाद फिर आठ सिलाई। ऐसे डिज़ाइन की ग्रोथ होती है और चार चार फंदों का डिज़ाइन है, फोर 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 फोर, तो एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। बस सिंपल सा डिज़ाइन है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारी वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ जस्सी नीटिंग को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं और आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना पाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर बुना, कोई भी बॉर्डर बुना है ना आपने, तो एक सिलाई आप बॉर्डर की नहीं बनानी है, सिर्फ प्लेन सिलाई बनानी है। तो हम बैक साइड से इस बेस करो को पहले बना लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन की फोर फोर सिलाइयाँ बनाएंगे। तो हमें पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, बैक साइड है तो पूरी सिलाई उल्टी बनाने के बाद ही हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे और उसके साथ हम वाइट कलर भी लगाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने बॉर्डर बुना, राइट साइड है, जैसे ही बॉर्डर बुना हमने बेस करो उल्टी डाल दी है, बिल्कुल उल्टी, और इधर से हमें ये राइट साइड में सीधी सिलाई दिख रही है। अब हमने चार चार सिलाई का डिज़ाइन शुरू करना है तो हम सेकंड कलर इसके साथ ऐड कर लेंगे। चाहे आप ऐड कीजिए, चाहे बीच में ही लगा लीजिए। तो इसके लिए हमने एक फंदा तो इस कलर से, सेकंड कलर से सीधा बुनना है, फिर हमने अपनी तरफ आ जाना है और हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है, ऐसे उल्टा फंदा उल्टा फंदा। ये डिज़ाइन की फर्स्ट सिलाई है। और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे जी। देखिए तो हमारी ये डिज़ाइन की फर्स्ट सिलाई है और ऐसी दिखेगी ये, वाइट से ऐसी लाइन दिखेगी। इसमें डिज़ाइन में भी दिख रही है ना ये लाइन, सेम लाइन। अब हमने क्या करना है, सेकंड सिलाई है तो सेकंड सिलाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे। इसमें डिज़ाइन नहीं अभी बनाएंगे, जैसी सिलाई दिख रही है वैसी ही बना देंगे उल्टी उल्टी, क्योंकि बैक साइड है, बैक साइड में हर सिलाई उल्टी ही आएगी। तो हमने दो सिलाई बना दी है इस कलर, वाइट कलर से। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। तो थर्ड सिलाई देखिए ऐसी टू बनी है, थर्ड भी हम सेम सिंपल बना देंगे। सीधा फंदा उतारा और सीधी ही सिलाई बनाई ऐसे, तो ये पूरी सिलाई सीधी बन के रेडी कर लेंगे। अब आते हैं इसकी, देखिए तीन सिलाई बन गई। अब आते हैं इसकी फोर्थ सिलाई में। फोर्थ सिलाई हम पूरी
उल्टी सिलाई बना लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया है, हमने चार सिलाई बना ली है। एक सिलाई हमने फर्स्ट वाली उल्टी बनाई, फिर तीन हमने उल्टी, सीधी और उल्टी बनाई, तो चार सिलाई कंप्लीट होगी। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे जिससे हमने बनाना स्टार्ट किया था बॉर्डर, अब वो वाला कलर हम इसके साथ लगाएंगे। तो फर्स्ट फंदा तो हम बुनेंगे सीधा, बुन लिया, एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है, थ्रेड करेंगे आगे और एक दो तीन, तीन फंदे हमने बुन लिए उल्टे इसी कलर से। और ये देखिए अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे, तो हमने तीन फंदे उल्टे बुन लिए, एक फंदा सीधा, तो चार फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। अब चार फंदों में फिर हमने डिज़ाइन डालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस डिज़ाइन को ध्यान से देखना है। जो हमारा तीन उल्टे फंदे बुनने के बाद सीधा फंदा आता है, तो उसमें हमें तीन लाइनें दिखती हैं, एक दो और तीन, तीन लाइनें हैं। तो हमने जहाँ कैसे बुनना है, जो ये सीधा फंदा है ना ये वाला, इसके अंदर से ऐसे सिलाई डालनी है और नीचे आ जाना है, ऐसे ऐसे आके जो एक ग्रीन वाला हमें फंदा दिख रहा है बुना हुआ उल्टा, हम दिखाते हैं आपको, सॉरी ये इसके नीचे ये वाला फंदा दिख रहा है आपको, उभरा हुआ लाइन ए, ये वाली लाइन को हमने फंदा पकड़ना है ऊपर वाला ग्रीन वाले को। तो कैसे पकड़ेंगे, हमने क्या करना है, इस सीधे फंदे के अंदर जाना है, फिर नीचे को आना है, तीन लाइनें नीचे को आना है और इस फंदे को पकड़ लेना है। तीन लाइनें भी ऊपर हैं हमारी, एक एक तो ये है, इसके अंदर से एक लाइन जे है, एक दो और तीन और चौथा, इस फंदे को पकड़ लेना है। जब इस ग्रीन वाले फंदे को पकड़ेंगे तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमने इसके नीचे तक इसको पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद ये फंदे जो हैं वो इस सिलाई में ऐसे कवर कर लेंगे, तीन के तीन, तीन लाइनें और एक ये फंदा बना लिया। अब थ्रेड हमारे पास ही है, थ्रेड अपने पास इधर ही रखना है और इन फंदों को एक बुन देना है, ऐसे ऐसे बुनना है, ध्यान से फिर देखना। अब एक फंदे पे डिज़ाइन डाल दिया है, तीन उल्टे बुनने हैं आगे, तो क्या करेंगे, एक उल्टा बुना, दो और तीन, तीन उल्टे हमने फंदे बुन दिए हैं जहाँ डिज़ाइन, चौथे पे डिज़ाइन डालेंगे, तो कैसे डालेंगे वो आपने देखना है। ये जो फंदा है ना, इसके अंदर सिलाई डालकर तीन लाइनें जो दिख रही हैं आपको, एक दो तीन, इसके नीचे आना है, प्रॉपर पूरा नीचे आकर इस फंदे को, ग्रीन वाले को पकड़ लेना है और ऐसे ऊपर से अभी नहीं बुनना, अभी नहीं बुनना, बस ऐसे नहीं बुनना, जब तक इसको पकड़ा इसको छोड़ा, ऐसे छोड़ा, अब हमारे पास ये आ गया। फिर ए वाली सिलाई को हम इसके अंदर डालना है पूरे फंदों के और उल्टा फंदा बुन देना है। उसके बाद फिर हम तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन, अब हमने फिर डिज़ाइन डालना है चौथे फंदे पे, फिर वैसा ही करेंगे, इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे होल के अंदर थ्रेड के, तीन लाइनें नीचे जाएंगे, एक दो तीन, और इस लाइन इसको पकड़ेंगे फंदे को जो दिख रहा है ग्रीन, जैसे ही इसको पकड़ा इसको छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब इन चारों फंदों को
लाइनों को बुन देंगे उल्टा। बुन दिया, अब आगे तीन फंदे हमने सिंपल बुनने हैं, दो तीन, और लास्ट वाला फंदा हमने एक्स्ट्रा सीधा बुन लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखिए, चार चार फंदों में डिज़ाइन कवर हो गया है। पहले चार फंदे हैं, फिर हमने एक पे डिज़ाइन बनाया, फिर चार फंदे हैं, एक पे डिज़ाइन बनाया, तीन ए बन गए चार फंदे हैं, फिर एक पे डिज़ाइन बनाया, तीन ए बन गए चार फंदे हैं, एक लास्ट वाला है। ऐसे आपने पूरे प्रोजेक्ट में डिज़ाइन को डालना है। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में, बैक साइड में। बैक साइड में हमने ये सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। जितने भी फंदे हैं इसको उल्टा बुन लीजिए। देखिए, तो ग्रीन कलर से हमने बुना, दो सिलाई बन गई, एक से डिजाइन बनाया, एक हमने उल्टी बना ली। अब दो सिलाई आगे हम सीधी और उल्टी और बनाएंगे इसी कलर से। तो हम पहला फंदा भी सीधा और पूरी सिलाई सीधी ऐसे। तो ये पूरी सिलाई हम सीधी ही ऐसे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, तीन सिलाई हमारी बन गई है। अब फोर्थ सिलाई भी इसी से बनाएंगे, जो कि हम उल्टी बनाएंगे ऐसे, उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे ऐसे। जी देखिए फ्रेंड, हमारी फिर ये चार सिलाई बन गई है, एक डिजाइन वाली ग्रीन, फिर तीन और उल्टी सीधी और उल्टी। तो चार सिलाई के बाद अब हम फिर वाइट कलर लगाएंगे और डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो वो फिर आपने वही डिज़ाइन स्टार्ट करना है जो यहाँ पे आपने बनाया। तो अब वाइट कलर से जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम जो ये चार फंदे पहले हैं तो हमने एक सीधा और तीन उल्टे बुने थे। अब हमने ऐसे नहीं करना, अब हमने इन तीन फंदों के बीच में जो ये वाइट दिख रहा है ना आपको, इस पे इसको फंदे को लेना है और डिज़ाइन बना देना है। तो इसके लिए फिर जे वाली लाइन आती है। तो हम पहले दो फंदे वाइट के सिंपल बुनेंगे। तो एक तो हम सीधा बुनेंगे क्योंकि हमने कलर लगा लिया, सीधा बुन लिया, और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। बुन लिया, बुनने के बाद अब ये तीन फंदे बीच वाले हैं ना, एक दो तीन लाइनें दिख रही हैं उल्टी आ वाली। अब इसके ऊपर जो तीन लाइनें हैं इसमें फंदे में सिलाई डालेंगे, इसमें फंदे में सिलाई डाल के नीचे आके इस वाइट को पकड़ लेंगे। जैसे वाइट को पकड़ा ऊपर से छोड़ दिया, फंदे को छोड़ ही दिया हमने। अब इन पूरे फंदों को हम इस सिलाई में ले लेंगे और उल्टा फंदा बुन देंगे। तो जहां हमारा उल्टा फंदा आ गया, आगे हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर एक दो और तीन, तीन फंदे फिर उल्टे बुने। तो फिर हमने इन तीन फंदों के बीच वाले फंदे में इसमें इसको पकड़ना है। इसको पकड़ने के लिए हम सिलाई इसके फंदे के बीच में डालेंगे, बीच में डाल के नीचे ले आएंगे और इसको पकड़ लेंगे। जैसे ही इस फंदे को पकड़ा इसको छोड़ दिया, छोड़कर इस सिलाई से इन फंदों को पूरे को ले लेंगे, एक भी नहीं छोड़ना। ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। फिर इसको उल्टा फंदा बुनना है। बुनने के बाद तीन फंदे सिंपल उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुने। फिर हमने जहाँ पे डिज़ाइन डालना है तो इसके अंदर थ्रेड डालकर नीचे को वाइट पीस पकड़ लेना है और इसको छोड़ देना है। पकड़ लिया, ये फंदा बन गया। अब इन तीनों को पकड़ के उल्टा फंदा बुन देना है। तो हमारे ये देखिए, दो फंदे सिंपल बुने उल्टे, एक सीधा एक उल्टा डिज़ाइन बनाया, तीन उल्टे डिज़ाइन बनाया, तीन उल्टे डिज़ाइन बनाया। अब हमने फिर तीन उल्टे फंदे बुनने हैं, एक दो तीन, और जहाँ पे हमने फिर डिज़ाइन डालना है तो हम इस सिलाई से, सिलाई के जो फंदा है इसके अंदर इस सिलाई को डालेंगे,
तीन नीचे आएंगे लाइन और वाइट को पकड़ लेंगे। जैसे वाइट को फंदे को पकड़ा, ग्रीन को छोड़ दिया, छोड़कर इन फंदों को दोबारा से बुन लेंगे। जैसे ही बुना, अब लास्ट में फिर हमारे दो फंदे आए हैं, तो एक उल्टा थ्रेड पीछे, एक सीधा, ऐसे। तो हमने फिर वही डिज़ाइन बना डाला, तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब इसकी हम चार सिलाइयाँ बुनेंगे सीधे की, एक तो डिज़ाइन की बन गई, तीन और बुनेंगे, एक उल्टी है वाली और बाकी सीधी और उल्टी। तो ऐसे सेकंड लाइन हम वाइट की बुन देंगे। जी देखिए फ्रेंड, ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। तो जैसे ये डिज़ाइन बन गया है, आगे हमने फिर वाइट से बुननी है चार सिलाइयाँ, एक बुनगी, दूसरी भी बुनगी, अब तीसरी और चौथी बुनेंगे सीधी और उल्टी। ये सीधी पूरी बुनेंगे ऐसे और उधर से उल्टी। जी देखिए फ्रेंड, हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम ग्रीन कलर लगाना है, तो एक बार ग्रीन कलर लगाकर फिर बता देते हैं, चार सिलाई, चार, फोर फोर, अब ए फोर, तो 12 सिलाई हो गई है हमारी। अब 13वीं सिलाई है, और हम वैसे आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रीन कलर को फिर कैसे बुनना है। तो उल्टी लाइन बुननी है फ्रंट साइड में, तो कैसे बुनेंगे हम, ये लगा लेंगे सीधा फंदा पहले वाला, सीधा बुन लिया, थ्रेड करेंगे अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, ऐसे किया था ना हमने, दो और तीन, तीन फंदे हमने उल्टे बुन लिए। तो फ्रेंड, जैसे ही ये तीन फंदे बुने, अब हमने जहाँ पे फिर बुनना है, तो इसमें से थ्रेड डाल के ग्रीन को पकड़ा, इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, इन फंदों को इधर ले आए और उल्टा बुन दिया। आगे फिर तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, तो ऐसे हम फिर डिज़ाइन को स्टार्ट कर दिया है। आगे आगे ऐसा डिज़ाइन बनता जाएगा जो कि बनकर बहुत अच्छी लुक देने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये डिज़ाइन हमने बना लिया है। पहले हमने इस पे आपको बता दिया है कि कैसे बनाना है। उसके बाद देखिए, हमने पूरा ऊपर तक बुना है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने फंदे कैसे डालने हैं। अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप फंदे डाल लेंगे, तो आगे आगे फोर फोर फंदे बढ़ते जाएंगे, एक एक्स्ट्रा होगा, उसी हिसाब से आप इसको बुन पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ गया है, आप बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ हमारी वीडियो को देखकर बनाइए और किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डालिए। और प्लीज़ जस्सी को आप प्यार दीजिए और जस्सी निटिंग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके पास लेके आ सकें और सुंदर से डिज़ाइन बना सकें। तो बॉर्डर आप कोई भी बनाइए। मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।